रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित संत बाबा यशोदा राम सत्संग भवन में बीती रात चोरों ने धावा बोला, जहां से दान पेटी सहित अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर 3 ताले लगे हुए थे, जिन्हें चोरों ने तोड़ दिया, जिसे वह अपने साथ ले गए। सत्संग भवन के अध्यक्ष रमेश तालवेजा ने बताया कि बीती रात सत्संग होने के बाद वह ताला बंद करके चले गए थे। सुबह 3:30 बजे जब वह सत्संग भवन पहुंचे तो मुख्य द्वार के 3 ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो दान पेटी गायब थी, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार रुपए दान के रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि चोर ओम नाम के एक स्टैंड को भी ले गए, जो चांदी के सामान दिख रहा था। इस दौरान चोरों ने गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी छेड़खानी की, जहाँ वह पैसे की तलाश कर रहे थे। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज कराई गई। इस घटना के बाद अब अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है, जिसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश कर रही है। ये सब बिखरा पड़ा था, ये सामान ऐसे बिखरा पड़ा था सब, यहाँ पे जो फोटो दिखाए ना आपको, जो सामान यहाँ पे सामान पड़ा था, ये झोला वगैरह सब सब पलटी करके रख दिए। और ये वाला भी जो है, ये दान पेटी भी ले गए, और ये वाला सब जो है, ये सब नीचे फेंक दिए। देखे भाई कहीं कुछ है तो नहीं। एक यहाँ ओम का पड़ा था, स्टैंड वाला ओम का, तो वो चांदी का समझ के वो भी लेके गए। उनको लगा कि ये चांदी का है तो वो लेके गए। मैंने वो पैसों की तलाश में आए हैं, पैसा ही घर उठाए हैं, दान पेटी खोल नहीं पाए हैं। ये कौन सा गुरुद्वारा है? ये संत बाबा यशोदाराम सत्संग भवन है। हमारी मेन ऑफिस जो है लखनऊ में है, हमारा आश्रम। उन्हीं के द्वारा जो है, ये पूरे भारत में 20 जगह सत्संग भवन बना हुआ है, और यहाँ भी रीवा में भी उनकी शाखा है, जो संत बाबा यशोदाराम सेवा समिति के नाम से संभालती है। मैं उन्हीं का अध्यक्ष हूँ सेवा समिति का, और मेरी ये जवाबदारी है कि सवेरे जो सत्संग होता है, तो इसको भवन को खोलने की जवाबदारी ये जो सेवा मिली है गुरुजी ने मेरे को दिया है, तो मैं रोज़ 4:45 के बीच में आके इसको खोलता हूँ। तो आज मैं सवेरे जैसे 3:50 पे जैसे आया, तो बाहर का गेट जो है मेरे को खुला हुआ मिला, तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब अंदर आया और मैंने देखा तो दो दान पेटी हमारे यहाँ पड़ी थी, जो श्रद्धालु दान डालते थे, और जिससे उस दान से जो हम सेवा का कार्य करते थे। और हमने कुछ दिन पहले रीवा रेलवे स्टेशन में भी जो है एक ठंडे पानी की मशीन लगाई है, और उसके बाद जो है जिला अस्पताल में भी एक ठंडे पानी की मशीन लगाई है, और ऐसे बहुत से कार्य ऐसे लेके गए हैं। वो क्या क्या ले गए हैं? दान पेटी लेके गए हैं, और बाकी पूरे जो है अलमारियां जो बनी हैं उनको जो है तहस नहस की है, पैसा देखने के हिसाब से कहीं कुछ मिल जाए तो ले जाएं। पैसा कितना? पैसा उसमें कम से कम 25-30 हजार एक दान पेटी में होगा,
और 1000-2000 दूसरी पेटी में होगा, क्योंकि वो 2 महीने से अपन नहीं खोले थे। हाँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ उनको पैसा दिखा है कि हमको यहाँ पैसा मिल सकता है या पड़ा होगा, जैसे गुरु ग्रंथ साहब हमारा पड़ा था सरदे, तो उनको जो है उल्टा करके सब पूरा देख दिए, फिर वही छोड़ दिए उल्टा ही। ऐसा करके जहाँ जहाँ दर्शन गुरु नानक साहब का था, दर्शन साहब पड़ा था उसको भी फेंक दिए हैं, और वहाँ पे एक ओम का स्टैंड वाला पड़ा था तो उसको भी चांदी का समझ के लेके गए हैं। यहाँ कितने ताले लगे हुए थे? 3 ताले लगे थे, और ताले भी ले गए हैं, ताले तोड़े हैं, ताले भी लेके गए हैं कुछ अपने। मैंने आवेदन दिया है सवेरे 7 बजे जाके बिछिया थाने में, उन लोगों ने बोला कि हम आएंगे जांच करेंगे, उसके बाद उसको जो है FIR में दर्ज करके आपको कॉपी देंगे। पुलिस आई क्यों? अभी तक आई नहीं है, जो भी कारण हो हम पता करेंगे किस कारण से अभी तक नहीं आ पाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश तलरेजा है, मैं संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति रीवा ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। यहाँ रात में कोई रुकता है? यहाँ रात में कोई भी नहीं रहता है, और ये रात शाम को जो है 7 बजे बंद करके, बहनों का जो है 4 से 7 बजे तक सत्संग होता है, तो मैंने लोग बंद करके साफ सफाई करके चले जाते हैं। आपको कब पता चला? मेरे को सवेरे जैसे मैं आपके खुला 3:50 पे तभी मेरे को पता चला। ये कौन सा स्थान है? ये सिंधी कॉलोनी तोपखाना कवर नगर में संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन है, यहाँ केवल सत्संग ही होता है, सवेरे भी होता है, शाम को भी होता है, अमृत वेला भी होता है। सरदार अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र ₹150 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगरडाल में 2800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है ₹525 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगरडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।